सुखवंत सिंह एडवोकेट, ये प्रदेश के प्रवक्ता रहे, आप जाना पहचाना चेहरा आपने देखा होगा, इनेलो पार्टी से ये आते हैं डिबेट्स में। और ये सज्जन सिंह मदीना गांव से, उनके सुपुत्र हैं, पुराना हमारा वैसे पुराना परिवार है रोहतक से ही, ये मगर ये इनेलो पार्टी में प्रवक्ता के रूप में, इसी के साथ साथ इनेलो के दूसरे प्रदेश प्रवक्ता सतीश जटराना एडवोकेट, वो भी प्रदेश प्रवक्ता के पद से इनेलो का इस्तीफा देते हुए कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। कृष्ण, बहुत बहुत स्वागत हम करना चाहते हैं। कृष्ण फोगाट जो ये प्रदेश प्रवक्ता इनेलो के हैं और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय आदर्श जाट महासभा के भी हैं, कृष्ण फोगाट ये आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं इनेलो पार्टी से इस्तीफा देते हुए, उनका बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं। विशेष फोगाट जो पूर्व प्रदेश प्रभारी आईटी सेल, ये आईटी इनेलो के आईटी सेल के प्रदेश प्रभारी विशेष फोगाट जी, ये भी शामिल हो रहे हैं, इनका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। रमेश भाई, रमेश साहू एडवोकेट, ये प्रदेश अध्यक्ष लीगल सेल इनेलो, प्रदेश अखिल भारतीय जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष लीगल सेल और इंसो के, तो यार इंसो से, तो ये कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं, इनका बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं। इसके साथ साथ जो हमारे अमरपाल हरे जी जो आज आए हमारे साथ शामिल हुए, बहुत से साथी आम आदमी पार्टी छोड़ते हुए उनके साथ आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। राहुल वीर गुजर जी, ये सोशल मीडिया प्रभारी किसान विंग आम आदमी पार्टी, आज ये भी हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। गोपाल, पूर्व जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी पंचकुला किसान विंग, ये भी आज हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। दिनेश कुमार, पूर्व जिला युवा अध्यक्ष आम आदमी पार्टी पानीपत, ये भी हमारे साथ आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। अरुण वाली, पूर्व प्रभारी किसान विंग अम्बाला, आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देते हुए कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। रितेश बंसल, पूर्व उपाध्यक्ष विधानसभा मुलाना अम्बाला, आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देते हुए कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। विनोद चौधरी, उपाध्यक्ष कालका विधानसभा, आम आदमी पार्टी से कांग्रेस पार्टी में आज शामिल हो रहे हैं। बिलचंद आर्य, पूर्व जिला अध्यक्ष यमुनानगर, पूर्व युवा जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी यमुनानगर, ये यमुनानगर के पूर्व युवा जिला अध्यक्ष रहे आम आदमी पार्टी के, ये भी शामिल हो रहे हैं। केतन, ये पूर्व अध्यक्ष अग्रसेन कॉलेज यमुनानगर, ये भी आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। बलवान सिंह यमुनानगर से, बलवान सिंह जी भी यमुनानगर से कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इसमें विक्रमजीत सिंह जो स्वर्गीय चौधरी महेंद्र कन्हैया मेटल इनेलो और दीपचंद कन्हैया जो विधायक भी रहे हमें स्वर्गीय दीपचंद जी सलवरा से, इनेलो पार्टी छोड़कर, ये उनके भतीजे हैं जो इनेलो पार्टी छोड़कर आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इन सबकी शॉइनिंग में ये जो मैं खास विशेष तौर से हमारे विश्वपाल जी का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है और हमारे बिशनलाल सैनी जी जो विधायक हैं उनका नेतृत्व रहा है, तो उनके नेतृत्व में और विश्वपाल जी के बहुत से अथक प्रयासों का ये मैं विशेष जिक्र करना चाहूँगा आज। इसके साथ साथ हमारे नारनौल से, मेदगढ़ से कई गाँव के सरपंच, तो इस वक्त कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में कई लोगों ने आज कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है। इसमें इंडियन नेशनल लोकदल और आम आदमी पार्टी के प्रदेश और जिला स्तरीय पदाधिकारी हैं जिन्होंने आज प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपेंद्र हुड्डा की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है। कांग्रेस का जो कुनबा है वो लगातार बढ़ रहा है।
सांसद दीपेंद्र हुड्डा की मौजूदगी में प्रदेश अध्यक्ष इस वक्त कई लोगों को पार्टी में शामिल करवा रहे हैं। तमाम जो लोग आज पार्टी में शामिल हो रहे हैं ये प्रदेश और जिला स्तर के अपने पार्टियों के पदाधिकारी रहे। आम आदमी पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल जो आज अपने पुरानी पार्टियों को छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं, आम आदमी पार्टी, जननायक जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल, इन तीन पार्टी के नेता कार्यकर्ता हैं जो आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं और प्रदेश अध्यक्ष खुद उनको पार्टी में शामिल करवा रहे हैं।